हलाराम जी से निवेदन करूं कि आप दो शब्द जय भगवान राधे कृष्ण। जोगाराम जी रत्नाराम जी आपकी तरफ से आरती होगी, दो मिनट आरती में। व्यासपीठ में विराजमान गुरुदेव की शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विराट हृदय स्वरूप समुद्र की तरह महान, सबको समाहित करके लेके चलने वाले से जगत गुरु आदरणीय गुरुदेव राजाराम जी महाराज गुरुदेव के शरणों में प्रणाम। सत्य प्रकाश जी और आए हुए सभी भक्त और श्रोताओं के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आ धरती जोगदास जी महाराज की धरती, आबूराज की धरती है गुरु जी। पूरा भारतवर्ष आती थी, पूरा विश्व रमाए कथा करे और सिरोही रे एक लोग पहचान है और ओपे ये सोना मना भई है जरे गुरु जी को मैसेज ले जाए। तो आज जीवन समाधि अरे पवित्र धरती है तो भाई हाथ ऊपर करे ने जोगदास जी महाराज ने याद करना है। बोलिए जोगदास जी महाराज की, बोलिए जानकी दास जी महाराज की, आबूराज की, सत्य सनातन धर्म की। आज आ कथा जानकी दाजी महाराज गौशाला में बेरी है। आप सभी लोग भाग्यशाली हो, आपने कथा करो सुनवार अवसर मिलियो और मनुष्य जीवन वार वार नहीं मिलतो। बड़ो कोई न कोई पुण्य है जरे अपने मनुष्य जीवन मिलियो है तो अपने मनुष्य जीवन ने सतमार्ग माते लगावनो है। गुरुदेव कहते हैं आया सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन उससे पहले ऐसी कोई करनी करके जाना है कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करती रहे, आपसे प्रेरणा लेती रहे। मित्रों ये गौशाला का कार्यक्रम हो रहा है, ईश्वर ने जो आपको सामर्थ्य दिया है वो इस गौ माता के चरणों में अर्पित करना है। मित्रों कहीं ना कहीं हम देखते हैं पैसा कहीं ना कहीं अपन दूसरी जगह खर्च करते हैं। अगर कोरोना से बचना है, हॉस्पिटलों से बचना है, पुलिस थानों से बचना है तो कहीं ना कहीं वो पैसा गौशालाओं में लगा दो। आपको कई शारीरिक और मानसिक प्रतिनाएं भी झेलनी नहीं पड़ेगी। मित्रों मेरा शरीर 80% काम नहीं करता, लेकिन ईश्वर ने मुझे जो शरीर दिया है, इस शरीर में जो रक्त बहरा है, जो लहू बहरा है, वो मेरे मातृभूमि के, मेरी गौ माता के, इस दिन दुखियों के काम कैसे आए ये हमेशा मैं प्रयास करता हूं। मित्रों ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, हर तरीके से आप सक्षम हो। जिसके पास धन है वो इस गौ माता के शरणों में अर्पित करे, आपका धन में कमी नहीं आएगी। जो भी दिया है वो कृष्ण भगवान ने दिया है, जहां दे रहे हो वो कृष्ण जी को दे रहे हो। आप तो सिर्फ मेहमान हो और धरती रा मालिक नहीं हो। अणवजीती धन है तो वन धनरा भी रखवाड़ा हो, जिसको धन है उसके शरणों में लगा दो। इसलिए बढ़ चढ़कर भाग लेना। ये वैसे राजस्थान की धरती दानवीर और सूरवीरों की धरती है। इस गौ माता के लिए कई दानवीरों ने, कई सूरवीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो गुरु जी यहां पर आपसे एक ही अपील कर रहे हैं, हमें अब बलिदान